रोक ले जी, आ करता हुई काम। पर्ची वाला आ गया, ये पर्ची वाला ये सामने। अरे अंकल जी देखिए, भागते भागते आ रहे हैं। तो वहाँ पे अंकल जी पर्ची काटने के लिए आ गए, कहते पर्ची कटवाइए जी। ये देखिए जी भैया, यहाँ से थोड़ा रॉन्ग साइड आ रहे हैं जी। हो गया जी भैया, बाइक वाले क्रॉस कर रहे हैं तो इसलिए ट्रेन वहाँ पे रुक गई है। वो देखिए जी रुक गई है ना, देखिए वहाँ पे रुक गई है। ओ देखिए जी रुकी पड़ी है ना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाइफ ऑफ अरविंदर यूट्यूब चैनल में, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हमारा पहला वीडियो रहने वाला बस के साथ। अभी हम जा रहे हैं फगवाड़े, तो देखते हैं काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये वाली बस बोल रहे हैं तो कम ऑन। तो गाइस बस बहुत ज़्यादा फुल है, तो मैं पहली सीट मिल गई, हमें पहली सीट ही चाहिए थी। तो फाइनली गाइस बस के अंदर हम चल पड़े हैं, और हमें जो सीट चाहिए थी फ्रंट सीट, वही हमें मिल गई है। मतलब जो कर ना सच्चे दिल से मांगते हैं वो आपको ज़रूर मिलता है। तो मैं बोलता हूँ हर बार, ये हमारे साथ ड्राइवर है देखिए, और आपको एक बार दिखाते हैं भैया, बस जो है फुल भर चुकी है। आपको बैक साइड में दिखाते हैं जी, ये देखो जी पूरा बस भर चुकी है। जो हमारी बस है उसका डर इतना ज़्यादा है, पूरा रोड खाली हो चुका है। उनको पता ना भैया हमारी जो बस है ना वो चलने वाली है, आज स्पीड देख लीजिए 40 पे 50 पे चल रही है ना जी, 50 पे चल रही है, 40 पे चल रही है जी। और यहाँ पे एक और पैसेंजर आ गया जी, तो लीजिए बस ब्रेक लग गई जी। तो यहाँ से पैसेंजर की एंट्री होगी, पर जगह तो है नहीं, कहाँ पे बिठाएंगे। अच्छा हैप्पी भाई आप छुप ही गए, आपको तो दिखा दें, बाय कर दो बाय हैप्पी भाई। तो हैप्पी जा रहा है अमेरिका, अमेरिका अमेरिका जा रहा है अमेरिका, और साथ में आ गया हमारा रिजॉर्ट। क्या बात है, ये देखो भाई साहब जा रहे हैं बाइक पे, मज़े ले रहे हैं। तो एक बार बोर्ड चेक करवा दें आपको, जो यहाँ पे मिलने वाला है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पूरा मज़ा आए। देखो पीछे नेट, तो भैया कह रहे हैं हमारी वीडियो भी बननी चाहिए, पता लगना चाहिए कि यहाँ पे जो ड्राइवर है ना एयरप्लेन वाले हैं, आज बस चलाने को मिल रहा है इनको। नहीं भैया कहना कि हमें एयरप्लेन वाले ड्राइवर है, बट आज हमें ना बस चलानी पड़ रही है। तो एक और साइन बोर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है अपने को, 28 किलोमीटर रिमेनिंग, 28। ये देखिए जी यहाँ पे आपको थोड़ी सी बस की सजावट भी दिखा देते हैं। ये देखिए बाबा जी का आशीर्वाद लेकर। हाँ जी वो देखिए जी कार वाला की तरफ, वो देखो फिर कहते हैं कि वो देखिए बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो जी अभी यहाँ पे थोड़ा झगड़ा भी होने वाला था, थोड़ा मैटर सॉल्व हो गया इनका। और उसके बाद आगे आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, जो यहाँ की सबसे मशहूर चीज़ है, रोड के ऊपर ही आपको मिलेगी, वो है ट्रैफिक। आगे आपको मिलेगा फ्री का ट्रैफिक, कोई भी पैसे देने नहीं पड़ते। बहुत तगड़ा जाम लग गया जी। ये यहाँ पे ब्रेक चल रहा है भैया का, बहुत बहुत यही चीज़ तो फ्री में मिलती है, बिल्कुल फ्री में, कोई भी आपको इसका पैसा नहीं देना पड़ेगा। ट्रैफिक एक बार आपको टाइम भी दिखा देते हैं भैया, घड़ी कहाँ है हमारी, ये देखो जी टाइम हो चुका है 5:30। तो यहाँ से देखिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, अभी भैया कह रहे हैं कि ऊपर से चलें कि नीचे से, ऊपर से चल रहे हैं। तो यहाँ भी आपको एक चीज़ दिखाते हैं जी, यहाँ पे जो है मेरे को हाय हाय मेरे कैमरे दिखा दे। हाँ जी तो वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं जी, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कमेंट में बताइए जी, क्या कर रहे हैं वो, दिख जा दिख जा। ये देखो जी क्या कर रहे हैं पुलिस वाले, कमेंट करके ज़रूर बताना। ए ए ए ए ए रोक ले जी, आ करता हुई काम, लग जो साइड पे जो ऑल ए लो जी भैया जी हो गया भाई काम, बहुत बड़ा जाम लग गया। ये देखिए जी बाइक वाले हैं, थोड़ा शॉर्टकट से निकल जाएंगे, बट अपनी बस है यार उसको। तो यहाँ पे जो ना एक्सीडेंट हुआ या कुछ चक्कर पड़ा है, जो पुलिस वाले खड़े बंदे तो पता नहीं क्या, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम करवा दिया भैया यहाँ पे। मतलब यहाँ पे हमें 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, यहीं पर ही खड़े हैं जहाँ पे अभी खड़े हैं, वहीं पर ही खड़े हैं। तो ये यहाँ पे एक पुलिस वाला है, कार है देख रहे हैं, वो भी पता नहीं क्या कर रहे हैं, स्मोकिंग। तो यहाँ पे एक आपको एक और चीज़ दिखाते हैं भैया, वहाँ पे रेलवे ट्रैक जो बंद किया हुआ है, यहाँ पे देखिए बंद किया हुआ है ना, और यहाँ पे कुछ समझदार बंदे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो वो देखिए ट्रेन को भी ना, और इधर की साइड में वो ट्रेन खड़ी है, वो रुक गई है,
इनको देख कर कि भैया बाइक वाले क्रॉस कर रहे हैं तो इसलिए ट्रेन वहाँ पर रुक गई है। वो देखिए जी रुक गई है ना, देखिए वहाँ पर रुक गई है, वो देखिए जी रुकी पड़ी है ना। उनको पता है यहाँ पे समझदार बंदे ना जो रोड रेलवे ट्रैक जो क्रॉस कर रहे हैं तो रुक जाए, तो यहाँ पे ट्रेन को ना ब्रेक लगानी पड़ रही है। देखिए कितना ज़्यादा एडवांस हो गई हमारी जो लुधियाना की जो है ना रेलवे ट्रैक, वो देखिए वहाँ पे बस वहाँ पे ब्रेक लग गई है जी। बहुत ज़्यादा समझदार होगी ना भैया जी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जी। तो भैया हमने पॉज कर दिया था कैमरा क्योंकि यहीं पर खड़े खड़े ना सूरज नीचे आ गया, बट हमारी जो हमारी बस है ना वहीं के वहीं रुकी हुई। फाउंड हमने रीज़न वो किया जो सामने का आप देख रहे हैं ना गैस टैंक खड़ा है, तो उसकी वजह से ना जाम लगा हुआ पूरा, बट वो गैस टैंक ना क्यों है कहाँ है कैसे है वो आगे जाके हम देखते हैं। ओह माय गॉड, तो एक्सीडेंट हुआ लग रहा है, तो देखिए जी क्या हुआ। ये देखो जी एक्सीडेंट हुआ पड़ा, ध्यान से चढ़ाया करो गाड़ियाँ अपनी, ठीक है। एक्सीडेंट ही हुआ ना, एक्सीडेंट हुआ है, तो नीचे जो ना जो कांच है वो बिखरा पड़ा है, कहाँ पे कांच बिखरा है वो दिखे नीचे, तेल बिखरा पड़ा है, और यहाँ पे जो पुलिस कर्मचारी है वो ढूंढ रहे हैं क्या हुआ कैसे। वो देखिए जी सामने से ख़राब हुआ पड़ा दिख रहा है ना आपको, हाँ वही वही वो देखो जी वहाँ से टूटा हुआ जी, वो माई गॉड सामने से देखिए जी क्या हो गया जी। तो फाइनली हमारा एक ट्रैफिक है ना जो कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे दूसरा लग गया। अब यहाँ पे भी देखते हैं हुआ क्या है, यहाँ पे एक हमें ट्रॉली दिखी हुई है, यहाँ पे ट्रॉली के साथ कुछ हुआ है ना, ऐसे तो कोई रास्ते में लगा के नहीं जाएगा है ना। देखो जी इसके ये पुलिस वाले खड़े हैं, यहाँ पे कुछ कार्रवाई चल रही है। ये देखिए भैया साहब देख रहे हैं, लगता स्कूटरी वाले रुके हुए हैं यहाँ पे। इसको क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक और जो है ट्रक रुका हुआ है, क्या कर रहा है कार वाला, ओ माय गॉड कैसे ये काम हो गया ना रिकॉर्ड। यहाँ से देख लीजिए जो टोल है ना वो यहाँ से 1 किलोमीटर पे है, और यह फास्ट टैग वाले बंदे जो है ना जो गाड़ी पे लगाते हैं वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं तो दिखने, तो ये आ गया जी अपना टोल। ओ माय गॉड भूकंप आ गया, भूकंप आ गया जी, भूकंप। भाई पीछे कर ले नहीं तो तोड़ देंगे, ओ पहले ही पता था उसको। डर ही बहुत है अपनी बस का। वाओ तो हम आ चुके हैं इस टाइम सतलुज। ये देखिए जी भैया यहाँ से थोड़ा रॉन्ग साइड आ रहे हैं जी, चलिए कोई बात नहीं चलता है जी। बंदे यहाँ पे खड़े हैं जी, भगवान का माथा टेक रहे हैं। सतलुज का सीन भी आपको दिखा देते हैं जी। सनसेट हो रहा है इस टाइम, सनसेट का सीन एक बार चेक कीजिए जी, ये बीच में मिरर सा आ गया है उस वजह से सनसेट का सीन बढ़िया से नहीं बन रहा बिल्कुल। तो फाइनली हम आ चुके हैं फ्लोर बस स्टैंड पे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं पब्लिक जो चढ़ने वाली है जी, आ जाओ जी। क्या बैठने का कोई बिल्कुल भी नहीं है, बैठने की सुविधा नहीं है जी। पर्ची वाला ये आए अंकल जी देखिए भागते भागते आ रहे हैं, तो वहाँ पे अंकल जी पर्ची काटने के लिए आ गए, कहते पर्ची कटवाइए जी। वो देखिए जी कितने पैसे ले रहे हैं, वो देखिए जी थोड़ी कहते अपनी जेब हल्की कीजिए, बहुत भरी हुई आपकी जेब, निकालिए जरा निकालिए। मैं पूछता हूँ होगी ए आ जेब में जी, चलो अच्छी बात है जी, उनका घर भी चलना चाहिए। और यहाँ पे और भी जो सवारी है ना वो हमारी तरफ देख रही हैं, वो बस में चढ़ नहीं रही हैं क्योंकि उनको पता है अब जगह नहीं है, ऊपर ही बैठना पड़ेगा छत के। तो हाँ जी यहाँ पे तो बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं, वो मैं तो देख ही रही है जो हमारी ऑडियंस है, वो देखिए जी पीछे पूरी ऑडियंस बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल। अभी तो थोड़ा वैसे छाँव है, धूप के अंदर तो बहुत मुश्किल हो जाता जी। है जी, बारिश आएगी तो यहाँ पे भैया आपको भीगना पड़ेगा बिल्कुल। जी तो फाइनली नियर अबाउट अपने नानके फगवाड़ा, मतलब
पहले हम आते थे जब छोटे थे ना, तो उस टाइम और अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है। मतलब अभी तो पता नहीं चल रहा है कि मतलब इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है ना फगवाड़ा, मतलब स्मार्ट सिटी बन गया है ऑलमोस्ट। तो ये देखिए इधर की साइड में, हमारे लुधियाने से तो बहुत अच्छा बना है इधर के साइड का। अभी आप कहेंगे कि फगवाड़े में आ गया तो लुधियाने को भूल गया है, लुधियाना भी अच्छा है, बट फगवाड़े के जो आप पूल देख रहे हैं ना उसके नीचे स्पेस है तो वो बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे फ्लावर्स वगैरह गार्डन वगैरह बनाया हुआ है, तो एक इन्वायरमेंट को ना मेंटेन रखता है। और इधर की साइड में जैसे आप देख रहे हैं फगवाड़ा, बड़े बड़े अक्षरों में प्यारे प्यारे फगवाड़ा लीजिए, फगवाड़े के हालात यहाँ पे भी लुधियाने वाले ही हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे भी वैसा ही सिचुएशन है। रेस लगा रही है, कह रही है हम आपसे आगे निकलेंगे। नहीं मैडम नहीं निकल सकते आप, हमारी बस है आपकी स्कूटी है। एकदम से ब्रेक लगा दी। लो जी आ गया जी हमारा फगवारा, आ गया हमारा फुवारा फगवारा। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले अपने बाल चेक कर लेना, क्योंकि बस के अंदर ट्रैवल करने में ना थोड़ी एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है बंदे की, ना थक जाता, जान निकल जाती पूरी। तो तो फाइनली हैप्पी जी एक बार पकड़िए जरा। यहाँ पे बस वाले भैया बोल लेना कि एंडिंग करते हैं, थोड़ा पीछे से ले जाइए, थोड़ा आगे बस को दिखाइए बस को। तो फाइनली भैया हम आ चुके हैं फगवाड़े बस स्टेशन पर, और भैया की जो बस है ना उसका अलग लेवल का एक्सपीरियंस था। हमने पूरे 6:30 बजे पहुँचना था और पूरे 6:30 हमने भैया ने बस पे लगा दिया। कहते आपके जो नानक के ना नानके के पकोड़े हैं वो ठंडे नहीं होने देंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू भैया, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी तरह की और वीडियो भी बनाने वाले हम, अभी तो सिर्फ ट्रैवल की वीडियो बनाई है। तो आगे हमारा यहाँ पे जो मामे का लड़का लेने वाला, थैंक यू सो मच। लाइव रविंदर, बाय।